हिमाचल में कोरोना मामले बढ़ते देख प्रदेश सरकार ने हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। अगर राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता, आम जनता और धार्मिक स्थलों पर जाने वाले भक्त में रहते कोविड नियमों का अनुसरण करते तो शायद लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आती। लेकिन बीते समय में जिसका दाव लगा उसने जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई, जिसका खामियाजा आज प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना से लोगों की जानें जा रही हैं, अधिक संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, गांव भी अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। यही वजह है कोरोना कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। कोरोना कर्फ्यू पर सोलन की जनता ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि कोरोना कर्फ्यू से प्रदेशवासियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। सोलन शहरवासियों ने कोरोना कर्फ्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोरोना नियम प्रदेशवासियों ने माने होते तो आज लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी पेशा वालों पर तो इस लॉकडाउन का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रदेश की जनता और छोटे बड़े व्यापारी सभी इस लॉकडाउन से बेहद प्रभावित होंगे, उन्हें घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में मजदूर वर्ग अपना गुजारा कैसे करेगा, यह भी समस्या खड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो लोग कोरोना के साथ साथ भुखमरी के भी शिकार होने लग जाएंगे। इससे कोई फायदे तो सोशल डिस्टेंसिंग के ही हैं। अगर लोग पहले से ही खुद अगर इस चीज़ को समझ जाएं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है तो शायद हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े। लोगों को की तो परेशानियां बढ़ी रही हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये लॉकडाउन लगना चाहिए था, क्योंकि जो सरकारी विभाग के जो आदमी हैं उनको तो तनख्वाहें मिली जाती हैं, लेकिन जो आम जनता है, इस आम जनता की परेशानी जो है इससे बढ़ेगी हमेशा। इसके लिए आम जनता के ऊपर ही इसका ज़्यादा असर पड़ेगा, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो और रोजी रोटी करने वाले गरीब लोग हों। तो या तो सरकार पहले उनके बारे में ज़रूर कोई ना कोई प्लान बनाए और उसके बाद ही ये लॉकडाउन होना चाहिए था। आम जनता जो है, जो जिनकी रोजी रोटी रोज के कार्य से चलती है, उन लोगों को इससे जो है उनकी रोजी रोटी में उनको परेशानी होगी इसमें। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो हमें एक डिसिप्लिन क्रिएट करना ही पड़ेगा। हम लॉकडाउन लगा किसके लिए रहे हैं? हम जो है वो डिसिप्लिन हम शायद उन लोगों में मतलब इनकुलकेट कर नहीं पा रहे हैं, वो डिसिप्लिन हम नहीं बना पा रहे हैं लोगों में कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। अगर लोग ये चीज़ें समझ जाते, ये चीज़ें अगर ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखते और हम इसके फैलने से रोकते तो शायद सरकार को भी ये निर्णय लेने की ज़रूरत ना पड़ती। लॉकडाउन लग चुका है तो इसमें जो है हम ये बोलते हैं कि इसमें जो है गरीबों की तो बहुत मारे, गरीब मार जो है बहुत हो जाएगी और भूखे मरेंगे और बिल्कुल कहाँ से दिहाड़ी कमाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, पैसा नहीं होगा तो भूखे मरेंगे, तो वो भी सरकार के गले में पड़ेंगे कि भाई हम भूखे मर रहे हैं, है ना, तो क्या करेंगे, बिल्कुल तब क्या करेंगे सरकार इसके विषय में। जब भूखे मरने का काम आ जाएगा तो सरकार उसमें क्या निर्णय देगी? चलो डिस्टेंस से आदमी की भूख नहीं मिटती, वो तो ज़रूरी है बिल्कुल, वो तो हम भी सोचते हैं कि डिस्टेंस होना चाहिए, मगर जब भूखे मरेंगे तो तब क्या साधन है सरकार के पास? अब राशन भी लेना पड़ेगा, सब्जी भी लेनी पड़ेगी, दुकानदारी का भी काम चलना चाहिए। जहाँ तक दिहाड़ी वालों की रही, पिछले साल भी बहुत बुरे हाल हुए, जब थोड़ा सा ग्राउंड बना, लोगों ने कमाई दमाई के साधन जुटाए, तो आज जो है बिल्कुल दिहाड़ीदारों का तो इसमें होना चाहिए कि बरकरार दुकानें रहे, काम दिहाड़ी जो बनी रहे, ना तो भूखे मरने का काम है। क्या कैसे गुजारा करेंगे? जो बिल्कुल इसी पर आश्रित है वो कहाँ से बिल्कुल गुजारा करेंगे? मगर डिस्टेंस बनाओ, ये हम इस विषय में तो हम चाहते हैं पूरी तरह से डिस्टेंस बनाओ। बसों में बैठना है उसमें भी डिस्टेंस होना चाहिए, घूमने में भी डिस्टेंस होना चाहिए, आने जाने में भी डिस्टेंस होना चाहिए, दुकानदारी में भी डिस्टेंस होना चाहिए।